जितने भी YouTube क्रिएटर हैं, चाहे वो नए क्रिएटर हों या पुराने क्रिएटर हों, अपना वीडियो अपलोड करने के साथ साथ उन्हें लाइव स्ट्रीमिंग भी करना पड़ता है। जैसे कि हो गया हफ्ते में पूरा हफ्ते तो वीडियो अपलोड किए, लेकिन हफ्ते में एक बार या दो बार लाइव स्ट्रीम करना पड़ता है, क्योंकि जितने भी ऑडियंस होते हैं उनके, जितने भी व्यूअर्स होते हैं उनके उनके साथ में बात करना होता है लाइव लाइव आकर के। इसलिए हर एक क्रिएटर लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। और इसके साथ में कुछ ऐसे क्रिएटर भी हैं जो कि पूरा गेमिंग ही लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, गेमिंग करते हैं उसके बाद लाइव स्ट्रीमिंग करके वो वीडियो क्रिएट करते हैं और वो यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, वो भी मोबाइल यूट्यूब एप्लीकेशन से। जो मोबाइल में एप्लीकेशन होता है यूट्यूब का, उससे आपके पास कोई ज़रूरी नहीं है कि कंप्यूटर या डेस्कटॉप हो, तो एप्लीकेशन से लाइव स्ट्रीमिंग कैसे करते हैं आज इस वीडियो में यही हम सीखेंगे। हेलो दोस्तों, अमरेश 11 टेक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों, चलिए सीखते हैं कैसे यूट्यूब एप्लीकेशन से लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डेस्कटॉप या कंप्यूटर हो, आप यूट्यूब एप्लीकेशन से ही लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो छोटा सा होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए तभी आप सीख पाएंगे। लेकिन इसके लिए ध्यान रखना होगा कि आपको रिक्वायरमेंट है कि आपके पास 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। 1000 सब्सक्राइबर अगर आपके पास हैं तभी आप मोबाइल एप्लीकेशन से, जो यूट्यूब एप्लीकेशन होता है उससे आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए सीखते हैं लाइव कैसे उसे लाइव स्ट्रीमिंग करना है। तो हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। यहाँ सबसे पहले हम जाएंगे यूट्यूब एप्लीकेशन में, जो हमारे डिवाइस में होता है एप्लीकेशन, वहाँ पर जाएंगे। उसके बाद हमें जाना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जाएंगे, प्लस का आइकन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और गो लाइव, यहाँ पे देख सकते हैं गो लाइव, यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पे हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टाइटल देना होगा, तो टाइटल आप जो भी दे सकते हैं, जिस तरह का आप लाइव करना चाहते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग जिस तरह से करना चाहते हैं उस तरह का आप टाइटल दे सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं देने वाला हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ अमरेश 11 टेक, अपने चैनल का नाम में क्या करना होगा आप देख सकते हैं, यहाँ पब्लिक, यहाँ पे आप पब्लिक, अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं तो पब्लिक ही रहेगा। फ़िलहाल मैं केवल डेमो दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ अनलिस्टेड करूँगा, अनलिस्टेड, क्योंकि मुझे पब्लिश नहीं करना है, सिर्फ मैं डेमो वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। अब यहाँ पे अगर किसी पर्टिकल आप लोकेशन को चूज करना चाहते हैं तो यहाँ से लोकेशन आप चूज कर सकते हैं, जो भी लोकेशन आप रखना चाहते हैं। फिलहाल इसको ऐसे ही रहने दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जिस लोकेशन भी सर्च किया जाएगा, जहाँ भी आपके ऑडियंस होंगे वहाँ पे दिखाया जाएगा, इसलिए आप लोकेशन ना चूज करें तो अच्छा रहेगा। लेकिन ये दिया गया है इसलिए कि अगर आप पार्टिकल कोई लोकेशन चूज करना चाहते हैं उसके लिए दिया गया है। अब उसके बाद नीचे आते हैं, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, अगर बच्चे इंक्लूड हैं आपके लाइव में तो आप मेड फॉर किड्स कर सकते हैं, नहीं तो आप नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स कर सकते हैं कि बच्चों के लिए नहीं है। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सबसे ध्यान देने वाली है, नो डोंट रेस्ट्रिक्ट मोड, इसका मतलब क्या है ये भी समझ लीजिए। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका एडल्ट कंटेंट है, आप लाइव स्ट्रीमिंग जो भी कर रहे हैं एडल्ट कंटेंट है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप यस रिस्ट्रिक्ट माय वीडियो व्यूअर्स 18 प्लस आप कर सकते हैं, नहीं तो नो डोंट रिस्ट्रिक्ट आप कर सकते हैं, यहाँ से आकर के सेटिंग चेंज कर सकते हैं। अब फिर नीचे आएंगे, मोर ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप टाइटल में जो भी कुछ चेंज करना चाहते हैं, टाइटल में वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रहता है, लेकिन आप टाइटल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब उसके बाद फिर आता है एडवांस सेटिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मिलेगा आपको एडवांस सेटिंग, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसमें देखते हैं क्या है, अलाउ चैट, आप सबसे ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है अलाउ चैट, जितने भी चैट जैसे होता है कि सुपर चैट, और वहाँ से भी आपको अर्निंग करने का मौका मिलता है। अगर आपके कोई फ्रेंड्स आपको डोनेट करना चाहते हैं, कुछ पे करना चाहते हैं
चैट के थ्रू, तो वहाँ से कर सकते हैं बहुत ही आसानी से सुपर चैट के थ्रू। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं दिस वीडियो कंटेंट पेड प्रमोशन। अगर आपका पेड प्रमोशन है जो लाइव कर रहे हैं तो यहाँ पे आप ओके कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। और नीचे दिया गया है इनेबल मोनेटाइजेशन, आप यहां से मोनेटाइजेशन को इनेबल कर सकते हैं। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट आपका लाइव होने के बाद ऑटोमेटिक इनेबल हो जाता है आपका मोनेटाइजेशन, अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपने सेट किया हुआ है तो। नहीं तो अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपने सेट नहीं किया है तो यहां से क्लिक करके आपको मोनेटाइजेशन इनेबल करना होगा। वैसे तो हर कोई सेटिंग में ही जा करके बाय डिफ़ॉल्ट ऑन कर देता है, इनेबल कर देता है मोनेटाइजेशन, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो ऑटोमेटिक वहां पर मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाए। अच्छा, इसके बाद फिर हमें बैक आना है यहाँ से। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मैंने एक चीज़ यहाँ पे नहीं दिखाया, इसको मैं सोलेस कर देता हूँ। अब यहाँ पे आएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मोबाइल फ़ोन का आइकन दिया हुआ है, यहाँ पे मोबाइल फ़ोन का आइकन दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है। और यहाँ पे ये तो कैमरा, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, ये तो हर किसी को पता है, लेकिन यहाँ पे ये छोटा सा दिया हुआ है मोबाइल फ़ोन। यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे मोबाइल फ़ोन पर तो आप देख सकते हैं यहाँ गेम टाइटल, एक गेमिंग करने के लिए, अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं लाइव, कुछ लोग होते हैं कि लाइव गेमिंग करते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग करके गेमिंग करते हैं, अगर ऐसा करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर गेम टाइटल यहाँ पर आ गया। उसके बाद यहाँ पर आप प्लस के आइकन पर टाइटल दे सकते हैं गेमिंग के लिए, फ़िलहाल मैं गेमिंग नहीं करना चाहता। अब यहाँ तक हमने देख लिया है, अब इसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, नीचे आएंगे यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। अब नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर थंबनेल कुछ भी देना चाहें तो आप देख सकते हैं, जैसे हमारा देख सकते हैं टेलीविज़न चल रहा था तो इसका कैप्चर हो गया है। अगर आप ऐसा कैप्चर करके डायरेक्ट आप थंबनेल लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पेंसिल का आइकन है, इस पर क्लिक करके आप कस्टम थंबनेल लगा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इस पेंसिल पर, और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं अपलोड थंबनेल। इसके लिए आपको ऑलरेडी थंबनेल बना के रखना होगा, जिस तरह से आप लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं उस तरह से आप उसी के हिसाब से आप ऑलरेडी थंबनेल आपको बना लेना चाहिए। तो यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करेंगे, इसके बाद हमारा गैलरी में चला गया। अब गैलरी में हम यहाँ से थंबनेल अगर जो भी बनाए हैं आप, तो थंबनेल वहाँ से उठा लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा एक थंबनेल बना हुआ है, थंबनेल ये मैं दूसरे वीडियो के लिए बनाया हूँ, लेकिन केवल बस दिखाने के लिए। आप थंबनेल जो भी बना के रखे हैं यहाँ पर इतने क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर सेव कर देंगे। ये थंबनेल हमारा सेव हो चुका है, अभी सेव हो रहा है, प्रोसेसिंग में चल रहा है, अभी सेव हो चुका है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ गो लाइव पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ गो लाइव, यहाँ पर क्लिक करेंगे सीधा हमारा। अब देखिए यहाँ पे मेन समझने वाली बात है कि जब भी लाइव करेंगे आप, तो ये कह रहा है रोटेट टू स्ट्रीम इन लैंडस्केप, यानी कि यहाँ पे सिंपल बता रखा है कि आपको खड़ा मोबाइल करके आप लाइव नहीं कर सकते। अब ज्यों ही मैं मोबाइल को रोटेट करूँगा हमारा लाइव स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी देखते हैं, मैं इसको रोटेट करता हूँ, अब देखिए लाइव हमारा स्टार्ट हो चुका है, लाइव हमारा स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि मैं अनलिस्टेड में किया हूं। अब यहां से मैं बस यही प्रोसेस है, सिंपल सा प्रोसेस है। अब यहां से मैं लाइव को एंड करता हूं, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का केवल मकसद था सिर्फ बताना कि लाइव स्ट्रीम कैसे करते हैं। अब यहां से मैं एंड कर देता हूं। तो दोस्तों देखा आपने कितना आसान है मोबाइल एप्लीकेशन से लाइव स्ट्रीमिंग करना। इस तरह से आपके पास कंप्यूटर या डेस्कटॉप हो या ना हो, आप बहुत ही आसानी से लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं और अपने जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, उनके साथ लाइव चैट कर सकते हैं।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और दोस्तों अगर आपने अभी तक अमरीश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।